अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के बेहतरीन मुल्क की यह कैसा मुल्क है जो काफ़ी एक्सपोर्ट करने के हवाले से शहरत रखता है ये मुल्क भागते हुए लोगों की सर ज़मीन है यह मुल्क जंगली हयात के लिए जन्नत की मानद है इस मुल्क में सारा और सब्जी का खूबसूरत अमतजाज मौजूद है जी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से मशहूर मुल्क कीनिया की चलते हैं वीडियो की तरफ़ कीनिया का मुकम्मल नाम रिपब्लिक आफ कीनिया जो कि मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है कीनिया का बॉर्डर जनूबी सूडान इथोपिया सोमालिया युगंडा तंजानिया और भारतीय समंदर यानी इंडियन ओशियन से मिलता है पाँच लाख अस्सी हज़ार तीन सौ सड़सठ मरबा किलोमीटर पर फैला यह मुल्क दुनिया के रकबे के लिहाज से अड़तालीसवें बड़ा मुल्क भी है जबकि आबादी के लिहाज से सेताईसवें नंबर पर बराजमान है कीने में करीबन पाँच करोड़ अठावें लाख लोग रहते हैं कीनिया का दारालकूमत और सबसे बड़ा शहर नहरोबी है जबकि कीने के पुराना तरीन और सबका दारालकूमत मुम्बसा नामी शहर है कीने की कौमी जबान सवैली जबकि सरकारी जुबानों में अंग्रेजी और सवैली शामिल है कीनिया में कुल आबादी का पचासी फीसद लोग ईसाइत से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि कीनिया की करंसी कीनियन शील कहलाती है अब बात कर लेते हैं चंद फैक्ट्स की कीनिया में कमो 50 पचास नेशनल पार्क और नेशनल रिजर्व मौजूद हैं इस वक्त कीनिया में बाईस नेशनल पार्क जबकि अट्ठाईस नेशनल रिजर्व हैं जिनका काम मकामी जंगली हयात का तहफ़ है मसाई मारा नेशनल पार्क और एम्बोसली नेशनल पार्क कीने के मशहूर तरीन पार्क हैं कीनिया में कमो बेच साठ से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं जबकि सरकारी ज़ुबान का दर्जा सिर्फ दो जबानों को हासिल है एक अंदाज़ के मुताबिक मुल्क भर में करीबन अड़सठ जुबानें बोली जाती हैं दुनिया का पहला नोबल अमन इनाम यानी नोबल पीस प्राइज जीतने वाली औरत का तलुक भी कीनिया से था वंगारी मोता मथाई नामी ये औरत कीनिया में मालियाती समाजी और सियासी एक्टिविस्ट थी जिसने दो हज़ार चार में नोबल पीस प्राइज़ हासिल किया कनिया में मौजूद माउंट कीनिया अफ्रीका का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है जबकि पहले नंबर पर तंजानिया में मौजूद किली मंजारो पहाड़ बराजमान है कीनिया का कौमी जानवर ईस्ट अफ्रीकन लाइन है मशरी अफ्रीकन शेर का शुमार अफ्रीका के पांच बड़े जंगली जानवरों में भी होता है कीनिया में मौजूद झील तुरकाना दुनिया की सारा में मौजूद सबसे बड़ी झील है मजीद यह कीनिया की सबसे बड़ी झील भी है ग्रेट रेफ्ट वैली के शुमाल में मौजूद यह झील यूनेस्को हिटे साइट भी है कीनिया की सबसे कीमती एक्सपोर्ट काफ़ी है मार्च 2021 में कीनिया ने 4.56 बिलियन कीनियन शिलिंग की काफ़ी एक्सपोर्ट की जो कि 40 मिलियन डॉलर बनते हैं सफारी पार्क के लिए भी कीनिया बहुत मकबूल है इस मुल्क का शुमार सफारी के बड़े बड़े पॉइंट्स में होता है कीनिया 2021 का वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुका है हंटिंग यानी शिकार करना कीनिया में गैर कानूनी है कीनिया के ज़्यादातर लोग जरात यानी एग्रीकल्चर से वाबस्त हैं जो ज़्यादातर चाय और काफ़ी पैदा करते हैं जिसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है कीनिया को फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का फूलों का बाग भी कहा जाता है कीनिया में फूल बड़ी मिकदार में पैदा किए जाते हैं गुलाब की पैदावार के हवाले से कीनिया दुनिया भर में तीसरा बड़ा मुल्क है ये गुलाब कसीरमकसद इस्तेमाल होते हैं वसला गुलदस्ता बनाने के लिए मुख्तफ परफ्यूम्स में और मेडिकल यानी तेप के शोबा में भी ये फूल इस्तेमाल किए जाते हैं कीनिया में परिंदों की कम वेश ग्यारह सौ बत्तीस बिशीज़ मौजूद हैं एक दिन में देखें कि सबसे ज्यादा सीपेश का रिकॉर्ड भी कीनिया के पास मौजूद है कैनिया के पास दुनिया में तेज तरीन दौड़ने वाले बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफेंट्स में कई बार अपने नाम कर चुके हैं कीनिया के पास पाँच सौ छत्तीस किलोमीटर लंबी सहेली पट्टी भी मौजूद है कीनिया में कार्स लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव की जाती हैं कीनिया में दो किस्म के मौसम वाज तौर पर देखे जा सकते हैं जिनमें से एक और रेनी सीज़न यानी बारिशों का मौसम कहते हैं तो दूसरा ड्राई सीज़न यानी खुश्क मौसम कहलाता है कीनिया में प्रायमरी की तलीमी ज़रूरी और मुफ्त है सेकेंडरी तलीम भी मुफ्त है मगर यह तलीम ज़रूरी नहीं प्रायमरी तलीम का दुरानी उम्र के आठवें से चौदहवें साल तक होता है कीनिया में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं कीनिया के लोग काफ़ी के बजाय चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं कीनिया का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है कीनिया में मौजूद ग्रेट रिफ्ट वैली करीबन बीस मिलियन साल पहले वजूद में आई वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़